सेक्शन से पहले कवर करेंगे। पहले क्या यार, ये पार्टी सेकंड है जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स सेक्शन दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे हस्क वरना, जो कि एक कैफे रेसर है एंड ये है स्मार्ट पिलियन। इसके अंदर दो मॉडल आते हैं, एक तो 250cc जो कि ये वाला है, अब यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एंड जो दूसरा है वो आता है 400 जो कि ड्यूक 390 के साथ है। तो ये जो इंजन है ना, ये सेम इंजन कॉन्फ़िगरेशन है जो भी हमारे ड्यूक 250 की है, तो एकदम सेम इंजन और क्या कहते हैं जो लाइन ऑफ बॉडी है वो सेम कॉपी करता है। बस इसके अंदर क्या चीज़ है ना कि ये एक कैफे रेसर मोटरसाइकिल है, बिकॉज ऑफ इसका आप स्टांस देखो तो भाई ये बहुत ही, ये टंकी देख लोगे तो आपको दिख जाएगा। अलॉन्ग विद दिस इसके अंदर भी USD सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएंगे, अपसाइड डाउन फोक्स। बाकी भाई बाइक लिटरली बहुत ही बढ़िया बाइक है। अब मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ, 1000 की आपको ये मिल जाएगी, 2021 दिसंबर का मॉडल है, ठीक है। 6000 किलोमीटर चली हुई है हस्क वरना। इसकी मेरे को बढ़िया बात लगती है कि भाई इसके अंदर ना A to Z अच्छी, मतलब इसके अंदर A to Z आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ऑयल कूल की जगह लिक्विड कूल भी देखने को मिल जाता है, यहाँ रेडिएटर लगा हुआ है, ठीक है। USD फोक्स मिल जाते हैं। एंड अगर इसका मीटर थोड़ा, अगर हम इसकी DFT पे काम करवाते तो ये और भी बढ़िया होती। बाकी तो ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। ऑब्वियसली किसी को कैफे रेसर चाहिए हो तो कंसीडर कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के दूसरे बाइक पे जो कि है ड्यूक 250। तो वो ही हमारे पास ड्यूक 250, थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो यार मैं कहूँगा आप माइंड मत करना, बट हाँ वो ड्यूक 250 भी काफ़ी नई कंडीशन में। अब इसका मैं प्राइस बता दूँ तो भाई ये ड्यूक 250 आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, 2022 का है ये मॉडल है एंड केवल 2400 किलोमीटर चली हुई है और 218000 की ड्यूक मिल जाएगी आपको। एक सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हो रखी है दोनों बाइक्स के अंदर, USD सब कुछ सेम है। अगर आप KTM के पार्ट नहीं मिल रहे तो हस्क्वर्ना के पार्ट लेके लगा सकते हो, तो वो बात आ जाती है। तो हालांकि पूरी बाइक सेम है, बट हाँ वो है किसी को कंफर्टेबल और स्ट्रीट फाइटर पोजिशन चाहिए तो आप वो ले सकते हो। एंड अगर किसी को कैफे रेसर चाहिए और थोड़ी सी वो एग्रेसिव राइड करना पसंद करता है तो वो हस्क्वर्ना पर जा सकता है। तो ये थी, अब हम चलते हैं दूसरी बाइक्स पे। तो अब हमारे पास आ गई दो जिक्सर। तो भाई ये वाली जिक्सर है आपके पास, मैं इसकी स्पेसिफिकेशन पहले दिखा दूं। तो 2022 अक्टूबर का ये मॉडल है, 8000 किलोमीटर चली हुई है और 117000 की आपको देखने को मिल जाएगी। जिक्सर SF 250 है ये, फेयरिंग वाली आती है, आप देख सकते हो जिक्सर SF का ये मॉडल है, ठीक है। इसके अंदर भी दो मॉडल आते हैं जिसके अंदर फेयरिंग नहीं आती और दूसरी वाली के अंदर फेयरिंग आती है। नियॉन वियॉन कलर की आपको साइड में बैजिंग मिल जाती है और ड्यूल बैरल का एग्जॉस्ट मिल जाता है। सेम गोज विद आवर दूसरी वाली जिक्सर, ये शायद एक ऊपर का मॉडल है, वो इसकी मैं स्पेसिफिकेशन अभी आपको बता दूंगा। ये इससे एक ऊपर का मॉडल है, सॉरी एक नहीं, ये 2023 का मॉडल है, टू वी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड इसका प्राइस क्योंकि अभी आके खड़ी हुई है, ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वाली जिक्सर अभी होल्ड पे है, उससे पहले हम अपनी कवर कर लेते हैं। क्या कह रहे हो, बुलेट देखनी है? तो चलो यार बुलेट भी दिखा देते हैं। तो अगर आप लोगों की प्रायोरिटी है कि यार टूरिंग हो गया, एडवेंचर हो गया, तो आप लोगों के लिए भी बाइक्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की हिमालयन खड़ी है जिसके अंदर A to Z सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। जाना के यहाँ पे आपको इंजन गार्ड और प्रोटेक्टर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगेन फुल्ली एसेसरी के साथ लोडेड है ये बाइक। यहाँ पे आपको फ़ोन माउंट मिल जाता है, कीवी सब यहाँ पे देखो, फॉग लैम्प सब कुछ, मतलब ये मान लो रेडी टू यूज़ है। इसको खरीदो और जहाँ भी आपको जाना है, ले जाना है, एडवेंचर करना है, टूरिंग करना है, आप इसको कर सकते हो। बट मेक श्योर पहले गाड़ी की कंडीशन चेक करना, ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ये आपके ऊपर है। क्योंकि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ी आती है, काफ़ी सारी बाइक्स आती है एंड हर एक का इंस्पेक्शन वो ऑब्वियस है कि जो बायर है वही करेगा, क्योंकि आपके हार्ड अर्न मनी से आप बाइक खरीद रहे हो। तो मेक श्योर कि आप उसका टोटल वर्थ लेके जाओ। तो यहाँ पे फॉग लैम्प और सारी लाइट वाइट के जुगाड़ हो रखे हैं। इसका मैं प्राइस बता दूँ तो भाई इस वाली जिक्सर का भी मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ। ये रहा आपके सामने 2020 जुलाई का ये मॉडल है, 93,500 की आपको ये जिक्सर मिल जाएगी। कंसोल भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे गो। तो अब ये दूसरी जिक्सर की मैं बात कर रहा था, तो ये हमारे पास है 2020 का मॉडल है, स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकंड दो। तो भाई ये 2016 मॉडल की हिमालयन है एंड प्राइस आप गेस करो, ऐसा प्राइस है कि भाई लिटरली अंकल ने कहा कि ये मेरे को फटाफट करना है, तो इस डील को ग्रैब कर सकते हो एट द रेट, मैं लास्ट में डालूंगा, तो स्टे ट्यून रहो उसके लिए। तब तक के लिए हम आ जाते हैं अपनी जावा पे और एवेंजर्स पे। तो भाई ये रही हमारे पास जावा, ये देखो सबसे बढ़िया बात इसकी जो रेडिएटर ग्रिल है ना, वो चेक करो भाई, बहुत ही बढ़िया लग रही है मेरे को। और जो कलर है ना
बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा बीच कलर के अंदर इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठा रखा बीच और ब्लैक का कि भाई जावा पे लिटरली। एंड जावा के जो कलर है ना, अगर उस बाइक का भी मैं कलर की बात करूँ तो बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है। और देखो नीचे देखो इसकी ग्रिल भाई, सीरियसली अमेजिंग वर्क कर रखा है जावा ने कलर स्कीम के ऊपर। एंड इसके ऊपर मैं और चीज़ दिखाऊँ ना, तो ये देखो सिंस 1929 यहाँ से वो सिक्स दिख रहा है। और भाई बहुत ही बढ़िया बॉबर कैटेगरी की बाइक है। डिटेल में बता दूँ तो भाई डिटेल देख लो, 138,000 की मिल जाएगी, 7,000 किलोमीटर चली, 2021 अगस्त की ये जावा है। और ये वाली जावा आपकी 2020 की है, 16,000 किलोमीटर चली, 118,000 में आपको ये मिल जाएगी। एवेंजर की भी बात करके ख़त्म करते हैं, देख लो भाई तुम्हारा भाई कहाँ कहाँ पे चल रहा है तुम्हारे लिए। तो अभी के भी कर दो भाई, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक ज़रूर मारना वीडियो को। एवेंजर की कंडीशन देख लो, बाकी मैं कहूँगा आप विजिट कर सकते हो शॉप पर। तो भाई ये तो टैग मेरे हाथ में आ गया, फिर भी लो आपके लिए एकदम पास करके दिखाता हूँ। एवेंजर 220 2022 अगस्त और 4,000 किलोमीटर चली, 115,000 की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और टैग को हम वापस लगा देते हैं। सीट वीट इसके अंदर चेंज कर रखी है, बाकी मैं एकदम अंदर नहीं घुस सकता क्योंकि भाई थोड़ा सा है इशू, बाकी काफ़ी सारे काम भी हो रखे हैं मुझे ऐसे दिख रहा है उस एवेंजर में। जावा कवर कर ली, एवेंजर कवर कर ली, जिक्सर कवर कर ली, छोटी बाइक इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ ये दोनों। तो ये हमारे पास है होंडा की तरफ से, होंडा की SP125, ठीक है। और ये हमारी होंडा की शाइन, तो शाइन को तो सब जानते हैं, तो पहले शाइन की बात कर लें। तो होंडा की शाइन है 2022 मार्च का मॉडल है, 8700 किलोमीटर चली हुई है, 72,500 की आपको देखने को मिल जाएगी। कंसोल वंसोल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं SP शाइन के बारे में। तो ये वाली गाड़ी कहीं ना कहीं बंदे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, 82,500 की मिल जाएगी। और डिटेल आप चेक कर सकते हो, 22 का मॉडल है और 88,000 किलोमीटर चली हुई, सॉरी 8,800 किलोमीटर चली हुई। कंसोल आप देख सकते हो, सब कुछ आपके सामने है। तो भाई कमेंट में बताना आपको कौन सी बाइक अभी तक की बेस्ट लगी है और किसके रेट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे हैं, या फिर जो भी आपको लगता है कि भाई रेट ऊपर है नीचे है वो भी मुझे कमेंट करना, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने सजेशन को रखूँ कस्टमर या फिर जो भी हमारे अंकल हैं उनके साथ। तो ये कर ली हमने, ये कर ली, चलो इसका भी प्राइस बता देता हूँ यार, सस्पेंस खोल देता हूँ, 95,000 की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी हमारी हिमालय। अब हम बात कर लेते हैं डोमिनार और पल्सर RS के ऊपर। तो भाई पल्सर RS 200 आती है 200 में, तो भाई 200 CC की काफ़ी बढ़िया है, फेयरिंग के साथ आपको ये बाइक देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बारे में बात कर लिया है, तो भाई देखो ABS वाली ये बाइक है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका मैं प्राइस आपको बताता हूँ डिटेल, मेरे को पता है आप जानने के लिए परेशान हो रहे हो। तो ये है मेरे पास 2019 जनवरी का मॉडल, 9800 किलोमीटर चली हुई है और 115,000 की आपको RS देखने को मिल जाएगी। कंडीशन आप देख सकते हो, छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस हैं बट कोई नहीं, अब यूज बाइक है तो उतना होगा, बाय बार के इसके अंदर डिस्क ब्रेक आते हैं, ठीक है। अब हम चल देते हैं डोमिनार पे। डोमिनार ये 250 है, आपको पीछे देख के पता चल गया होगा, डोमिनार 250। तो यहाँ पे इसका डिटेल चेक कर लेते हैं, तो 21 का मॉडल है, 10,000 किलोमीटर चली और 1,43,000 की आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अंदर कुछ एसेसरी लगी है जैसे कि ये रही फॉग लैम्प, ठीक है, फॉग लाइट लगी हुई है, क्योंकि टूरिंग वाली बाइक्स होती है ना तो उनके अंदर कहीं ना कहीं लोग ये सब एसेसरी लगा लेते हैं, ठीक है। एंड मिरर विरर सब ओके है, एंड यहाँ पे आपको फ़ोन माउंट देखने को मिल जाएगा, एंड हैजार्ड लैम्प भी बंदे ने लगवा रखे हैं, सेम गोज भी था हमारी हिमालय। तो अब आ जाती है हमारी N150 जो कि आपको बेहद बेसब्री से इंतज़ार था भाई, जिसका आपको बेहद बेसब्री से इंतज़ार था। ये बाइक है पल्सर की N150, न्यू शेप के अंदर है, देखो यहाँ से DRL और प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको दिख रहे हैं। ये N150 है और बस एक महीने ही पुरानी है, नवंबर 2023 का ये मॉडल है। एंड आपको मैं इसका किलोमीटर दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बस 1,000 किलोमीटर चली हुई है, ABS के साथ आती है, एंड आगे से देख सकते हो आप। और इसका जो थ्रो है वो चेक करो, बहुत ही बढ़िया थ्रो है भाई, लिटरली अमेजिंग थ्रो है। एंड ये आपको मिल जाएगी 1,18,000 में यहाँ पे, ABS वाली गाड़ी। अब आ जाते हैं हमारे पास हंटर की बात कर लिया था भाई, हंटर वाइट कलर के अंदर आया, एंड ये है 1,68,000 की मिल जाएगी, 2023 फरवरी की और 8,000 किलोमीटर चली हुई रॉयल एनफील्ड हंटर। हंटर काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मैंने काफ़ी रिव्यू भी डाले मेरे चैनल पे, आप जाकर चेक कर सकते हो। एंड अब आ जाती है हमारे पास मीटियोर, क्योंकि यार काफ़ी सारी बाइक्स हैं तो जल्दी जल्दी कवर करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं एक एक पे भी डिटेल रिव्यू डाल सकता था, बट कोई नहीं, अब आपको फटाफट सारी बाइक्स दिखा देते हैं। तो भाई ये है 4,500 किलोमीटर चली हुई
रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 2023 का ये मॉडल है और 212,000 में आपको ये भी देखने को मिल जाएगी। कंडीशन आप चेक कर सकते हो क्योंकि एकदम नई गाड़ी है तो इतना कुछ बिगड़ता नहीं है। एंड मैं भी वही रिकमेंड करता हूँ आपको कि भाई लेटेस्ट मॉडल ही परचेज करो सो दैट आपको अच्छी वैल्यू भी मिल जाए एंड आपको एक अच्छी चली हुई गाड़ी भी मिल जाए। लेटेस्ट अब हम बात करते हैं R15V3 की, तो भाई R15 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एंड इसकी मैं क्या ही बात करूँ, रेसिंग के जो दीवाने हैं तो भाई R15 को जानते होंगे, 250 cc बाइक के भी ये 250 की टॉप स्पीड पकड़ लेती है, ऐसी चीज़ है ये R15 है 2022 का मॉडल। एंड गेस करो यहाँ पे आपको क्या प्राइस मिल जाएगा, तो भाई कर लिया गेस पाँच तक, मैंने आपको 5 सेकंड तक का टाइम देता हूँ, 5 और इतने देर में भाई सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी डाल दो। तो ये आपको मिल जाएगी 1,65,000 की R15 V3। तो भाई आई होप कि अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक रह रहा है कवर करने के लिए, बट स्टिल मैं कहूँगा कि आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा भाई और टेक केयर, मेक श्योर टू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।